नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के बिलासपुर पुलिस चौकी के पास गवार बस की ठोकर से एक अतिथि शिक्षक युवक की मौत हो गई। तेज गति से आ रहे बस चालक ने पुलिस चौकी के पास एक्सीडेंट की घटना को अंजाम दिया है। मृतक हृदय प्रजापति ग्राम पठारी निवासी अतिथि शिक्षक के पद पर पदस्थ था और अपने खेतों से धान बीज लेकर ग्राम बिलासपुर में अपनी बहन के यहाँ जा रहा था। उसी दौरान तेज गति से आ रहे गवार बस चालक ने युवक को रौंद दिया, जिसमें एक्सीडेंट के दौरान हृदय प्रजापति मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन बस चालक ने अपना रौब दिखाते हुए घायल की कोई मदद नहीं की। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल युवक की हालत गंभीर होने के कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के दौरान मृतक के परिजन बस चालक पर कार्यवाही करने के लिए पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां पर पदस्थ प्रधान आरक्षी ने बस चालक पर कोई कार्यवाही नहीं किया, जिससे नाराज होकर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को घेराव किया और आक्रोशित होकर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा। वहीं मामले को गरमाता देखकर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और बस चालक पर कार्यवाही करने का ग्रामीणों को भरोसा दिलाया, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। वहीं पुलिस अधीक्षक असित यादव ने मृतक के परिजनों को आश्वासन देते हुए आरोपी बस चालक पर जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। अभी हाल जो मुकेश प्रजापति नामक अतिथि शिक्षक था, जो युवा लड़का था, जिसको कि आए दिन अपने यहाँ जो यातायात में कंट्रोल न होने की वजह से जो भारी वाहन है जिसमें बस भी शामिल है, वो तेज गति से जो है वो निकलते हैं आज गाँव के आसपास से, जिसमें आए दिन दुर्घटना की शिकायतें यहाँ मिलती रहती हैं। अभी जो घटना हुई है वो इसलिए भी अत्यंत हृदय विदारक है, भयानक है कि वो युवा था लड़का और उसके दो अभी शादी हुई थी, 2 माह की उसकी बच्ची है दुधमु हुई, और बस वाले ने ना सिर्फ केवल टक्कर मारा, दुर्घटना ग्रसित हुआ लड़का वो घायल हुआ, बल्कि बस वाले ने ये भी सुनने में आ रहा है कथित रूप से कि उसे उतर करके उसके साथ मारपीट भी की गई है। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जब उसे अस्पताल लाया गया है तो वह उसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसी समाचार प्राप्त हो रहा है, जिससे कि ग्राम क्षेत्र में और ग्रामीण जनों में अत्यंत आक्रोश है कि पुलिस द्वारा उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि बस जो है वो राजनीतिक दल की किसी व्यक्ति की होने की वजह से जो है पुलिस आनाकानी कर रही कार्रवाई करने पर, जिससे कि क्षेत्र में जनता में आक्रोश है और प्रदेश में जो है यह क्रोध जो है अपने क्षेत्र में उबलता जा रहा है कि पुलिस को अनिश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पहले तो जो गाँव की जागरूकता का परिचय गाँव वालों ने दिया है, वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए कि अगर किसी के साथ गलत या अन्याय होता है उसके लिए सारे जन समूह को एक साथ होकर, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जिसके लिए उन्होंने एग्जाम के स्वरूप में भीड़ एकत्रित करके और कानूनी कार्रवाई के लिए आग्रह किया, जिस पे पुलिस अधीक्षक द्वारा जाकर वहां पे संबंधित कर्मचारी को देखा और सुना। हाँ, ये अभी कल की घटना है। यहाँ पे अभी बिलासपुर चौकी में परसों एक व्यक्ति की बस के एक्सीडेंट होने से उसकी दुर्घटना हो गई थी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय वहाँ पे जो उपस्थित जो प्रधान आवश्यक था उसने तुरंत वैधानिक कार्रवाई नहीं करी की थी, तो उस संबंध में उसका स्पष्टीकरण और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उमरिया से हमारे संवाददाता शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।